आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। आवर क्वेश्चन इज द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश डैश। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 13.6 जूल, सेकेंड ऑप्शन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है वो बताने के लिए कहा है। सो जो एनर्जी होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन एटम जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1H1, राइट। सो इसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो 1 रहता है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो 1 होता है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होता है, ओके। सो ये जो फॉर्मूला है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, राइट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे हम बोल सकते हैं, ओके। सो सपोज N1 इज 1 मीन्स फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एंड N2 इज इन्फिनिटी, ओके। सो उस टाइम लगने वाला जो वर्क होगा उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ओके। और इधर क्या आएगा, 1/1 बिकॉज एन की वैल्यू N1 इधर पुट अप करेंगे N1 माइनस 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बट N2 क्या है, N2 हमने इन्फिनिटी कंसिडर किया है बिकॉज एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी में रिमूव करने के लिए रखती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसलिए N2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। अगर हम इस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे तो कितनी अमाउंट मिलेगी, K तो होगा हमारा 1/4πε0 की वैल्यू, ओके। के मीन्स वॉट, 1/4πε0 की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर 2π² m means mass of the electron, e means charge on the electron, उसका 4, okay, so e raised to 4 divided by h square, okay, h means क्या है, Planck's constant, और इधर सिर्फ क्या रहेगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये 1/∞0 होता है, so it will be equals to 0, और सिर्फ 1/n² रहेगा, so इधर में denominator में n1 square का है, तो इधर क्या है, 1 आएगा, n1 हमारा कितना है, 1 है, राइट। सो इधर 1/1 square मीन्स 1 ही आएगा, सो रिमेनिंग फॉर्मूला विल बी दिस, ओके। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 square मीन्स 9×10⁻⁹ इसका स्क्वायर × 2×3.14 का स्क्वायर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9×10⁻³-31, ओके, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6×10⁻⁹ और उसके रेस टू 4 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63×10⁻³-34 और इसका हमें स्क्वायर लेना है, सो ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। सो अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 21.45×10⁻¹⁹ जूल। सो ये एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो जूल में मिली है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमें क्या करना है, 21.45×10⁻¹⁹ को 1.6×10⁻⁹ से डिवाइड करना है। सो हमें ये जो एनर्जी मिलने वाली है वो इट इज़ इक्वल्स टू 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, राइट। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम will be 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।